दोनों के इतिहास वहाँ पर हैं, दोनों के इतिहास काबिज रहे, एक दूसरे के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप न करे और दोनों धर्म पर हमेशा राज्य सरकार अगर अपने से खुद से निर्णय नहीं ले पाती तो पटल उनका था कि सार्वजनिक सर्वदलीय बैठक बुलाकर लोगों की राय ले सकती थी। आप नियम जब बनाते हैं लोगों की राय नहीं लेते हैं, जब संविधान में को बनाने की बात करती है, संशोधन की बात करते हैं, लोगों की राय नहीं लेते। हाउस के अंदर आप बोलने का मौका नहीं। मंत्री जी की नीयत अगर साफ रहती तो नियम बनाने में विलम्ब नहीं होता। साल बाद भी भारत के सन्यासी देश के अगवा नेता के 40 साल के अल्पायु के जो उनके इस भारतवर्ष के लिए और विश्वव्यापी जो संदेश उन्होंने नौजवानों के लिए छोड़ा है, आज भी झारखंड राज्य के नौजवान और देश के नौजवानों के लिए आदर्श है। ऐसे ही दिन राज्य के अंदर में हम सभी लोग, खासकर मेरा छात्र इकाई, जहां पूरा प्रदेश और नौजवान जिसके बारे आपने उल्लेख किया चिंता में है, जिनके माथे में लकीर इस बात को लेकर इंकित कर रही है कि लंबे अरसे से एग्ज़ाम और उसकी तैयारी करना, सरकार के 5 लाख नौकरी प्रवर्ष देने का घोषणा, प्रोत्साहन भत्ता देने का घोषणा, इस बीच में नियमों का नियोजन नीति का बनना, स्थानीय नीति का बनना, इन सारे नीति और रोजगार के घोषणाओं से त्रस्त यहाँ के नौजवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, किसान नीतियों को लेकर चिंतित हैं, वहीं बेरोजगार खासकर जो श्रमिक हैं वो भी अपने रोजगार के लिए चिंता में, तीनों वर्ग में चिंता की लकीर है। ऐसे समय में जब राज्य सरकार कदम नहीं बढ़ा रही है तो आज के इस महत्वपूर्ण दिन को एक संकल्प दिन मानकर उठो जागो और पद यात्रा के माध्यम से संकल्प मार्च आज संगठन के अलग अलग कॉलेज के इकाई छात्रावास के छात्रों ने निकाल के आज इस कार्यक्रम को बल दिया है। मैं इस कार्यक्रम का नेतृत्व इसलिए किया चूँकि राज्य के हालात को बदलना है तो कहीं ना कहीं नौजवानों में चेतना को जगाना पड़ेगा, उन्हें एकताबद्ध करना पड़ेगा और अपने राज्य की जब सरकारें फेल हो जाती हैं, सरकार की नीयत पर जब प्रश्न खड़ा हो जाता है तो राज्य के नए नीयत के लिए नौजवानों को आगे आना पड़ेगा और पूरी कमान संभालनी पड़ेगी। 22 साल हो गए लेकिन नियोजन नीति और रोजगार का बात करें तो जीरो। ये नियोजन नीति के नाम पर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ज़्यादा होता है। आप देखेंगे जिस राज्य को तरक्की करना है, जिस राज्य का लीडर अपने लोगों के प्रति ईमानदार होता है, उस राज्य इस बात का इंतजार नहीं करता बल्कि सीधे आगे बढ़कर अपने लोगों के हित में निर्णय लेना प्रारंभ करता है। ये सरकार निर्णय न लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक भारत सरकार और केंद्र राज्य सरकार के अंदर में एक पॉलिटिक्स खेलने का इन्होंने काम किया है और ये अवसर देते हैं लोगों को न्यायालय में जाने का। ये बात न्यायालय में जाने की बात करते हैं, ये अवसर देते हैं, परिस्थितियाँ पैदा करते हैं ताकि कोई भी समस्या जो राज्य के अंदर है उसका समाधान ना हो पाए। आज ऐसा प्रदेश जो दिशाविहीन है, यहाँ का नौजवान कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित भी है और अपने भविष्य को लेकर इनका जो चिंता है, जो एक साधारण गरीब परिवार में आने वाले बच्चे जो लगातार वर्षों तक संघर्ष करते हैं, आप उसकी पीड़ा को समझ सकते हैं। राजसत्ता में बैठे लोग इस पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं चूँकि उनकी भावनाओं में कभी भी ये छात्र केंद्र नहीं बन पाते हैं, वो हमेशा भावनाओं से खेलते रहे हैं, चाहे अलग राज्य का मामला हो चाहे आज यहाँ के लोगों को रोजगार देने का मामला हो, दोनों ही समय वो खेल रहे हैं भावना से। अब इससे इतर यहाँ के नौजवानों को ऐसे महत्वपूर्ण दिन में संकल्पित होकर अपने प्रदेश के हित के लिए, अपने हित के लिए कहीं ना कहीं एकजुट होना पड़ेगा। वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बाहरी लोग जो है, ये नियोजन नीति है, जो भी नीति हम झारखंडियों के हित में बनाते हैं वो बाहरी लोग एक आदिवासी को आगे करके बाकी बाहरी लोग इसको रद्द। ये पहली बार और पहला प्रदेश ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत अगर साफ रहती तो नियम बनाने में विलम्ब नहीं होता, आपकी नीयत पर खोट है। दूसरा प्रदेश चाहे अगल बगल जिस प्रदेश की आप बात करें, वो प्रदेश किसी की प्रतीक्षा नहीं किया, उस प्रदेश में भी बाहर के लोग हैं, प्रवास सभी जगह लोग कर सकते हैं, सभी तरह के लोग कर रहे हैं, बावजूद उनके लोकल लोगों को उसका हक मिल रहा है, उसकी नीतियों पर सरकार अमल कर रही है। शिक्षा मंत्री का एक बयान पिछले दिनों आया था कि आप नौकरी के लिए क्यों ही कर रहे हैं, जब हम नीति बनाएंगे तो नौकरी देंगे, जब तक दूसरा काम आप ढूंढिए। कोई भी एक राजनेता, अब आप मंत्री के रूप में मंत्री सोचना प्रारंभ करेंगे तब यहाँ के युवा दो कदम चल सकते हैं, यही बताना चाहते हैं। ये हम अपनी सोच को गिरवी नहीं रख सकते हैं,
इस राज्य के नौजवान अपने लिए भला बुरा सोच सकते हैं, अगर ये भला सोच रहे, अपने राज्य के हित के सोच रहे हैं, अपने नौजवान अपने भविष्य के बारे अगर चिंता कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी चिंता पर गौर करना सरकार का दायित्व बनता है। आप अगर ये नहीं कर सकते तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें मंचों पर आपको नहीं करना चाहिए। एक आप बता दीजिए कि झारखंड की नियोजन नीति कैसी होनी चाहिए ताकि राज्य के युवाओं को नियोजन नीति के आधार पर ये समय मैं कह रहा हूँ कि इसका स्पष्ट हमारा मैं इस बात का बड़ा ही हूँ, पक्षधर हूँ कि मैं समाधान का पक्षधर हूँ। हमेशा राज्य सरकार अगर अपने से खुद से निर्णय नहीं ले पाती तो पटल उनका था कि सार्वजनिक सर्वदलीय बैठक बुलाकर लोगों की राय ले सकती थी। आप नियम जब बनाते हैं लोगों की राय नहीं लेते हैं, जब संविधान में को बनाने की बात करती है, संशोधन की बात करते हैं, लोगों की राय नहीं लेते, हाउस के अंदर आप बोलने का मौका नहीं देते हैं। तो ये एक पक्षीय ये जो तानाशाही नीति सरकार ने अपनाई है उसी का प्रतिफल है और आगे भी ये रहेगा और कहीं ना कहीं इस सरकार को इसी में कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। नौजवान तैयार है, नौजवान की आप देख रहे हैं कि अवस्था, वो उनको चेतना उनको जगाना ये हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है, हम उस काम में आगे बढ़ रहे हैं। पारसनाथ का मामला जो है अभी झारखंड में गर्म है और जो जैन धर्म और आदिवासियों का जो देख रहे हैं वहाँ पर जो वहाँ दावा ठोक रहे हैं कि अपना मरण गुरु को लेकर वहाँ पर सभी को सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। दोनों के इतिहास वहाँ पर हैं, दोनों के इतिहास काबिज रहे, एक दूसरे के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप न करे और दोनों धर्म का सम्मान हो, यही उसका रास्ता है।